जो अष्टांग योगी शांत भाव से भगवान की आराधना करते हैं, उनको ये सेवा का रस नहीं मिलता। सेवा का रस परम गहरों और अगम। तो ये दास्य भाव है, किंतु ये दास्य भाव से भी आगे एक संबंध सख्य भाव। अब इन पांच भावों में क्या होता है इस पर विचार करें। पहला भाव, श्री कृष्ण मेरे राजा हैं, ये दूरी का भाव है। कभी राजा साहब की सवारी आएगी, हम दूर से जाके देखेंगे, वो जा रहे हमारे देश के राजा। अच्छा साहब, उसके बाद हम निकट जाएं, उनके चरण दबाएं, उनको पंखा करें, उनसे कुछ गपशप करें, ये सब कुछ नहीं। प्रजा को ये अधिकार नहीं है, बस मात्र दर्शन ही करते रहो। इसी प्रकार से जो शांत भाव है, उसमें बस भगवान के दर्शन करो। जो लक्ष्मी नारायण की उपासना है, जो विष्णु जी की उपासना है, ये शांत भाव की उपासना। क्योंकि नारायण लीलाएं नहीं करेंगे, वो केवल दर्शन देंगे, अपने ऑफिस रूप में खड़े रहेंगे। तो जो रसिक संत हैं, वो कहते हैं साहब हमको मजा नहीं आया। ये कैसा भाव? अपने इष्ट देव की सेवा भी न मिले, बस दर्शन करते रहो। हमको और ममत्व चाहिए। तो अब शांत भाव से आगे आया दास्य भाव। इसमें क्या है? श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। अब स्वामी और सेवक का संबंध जुड़ा तो ऑटोमेटिकली सामीप्य आ गया। देखिए, यदि गवर्नर से मिलने कोई सेक्रेटरी भी जाएगा तो उसको गार्ड रोक देगा, कहिए साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई मैं सेक्रेटरी हूं। होंगे आपने गेट पास बनाया? वो तो नहीं बना है, तो फिर आप नहीं जा सकते। ये एक सामान्य गार्ड ने सेक्रेटरी को रोक दिया, और जो गवर्नर का सेवक है वो सीधा अंदर जाएगा राजभवन में। कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? हम ड्यूटी करते हैं यहां पर, तुम कौन होते हो रोकने वाले? वो अंदर पहुंच जाएगा, गवर्नर से बात करेगा, गवर्नर डायरेक्ट उसको आज्ञा देगा, ऐसे करो ऐसे मत करो। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान के दास बन गए, अब क्या होगा? हमें भगवान का सामीप्य मिलेगा और उनकी सेवा मिलेगी। तो भगवान की सेवा ऐसी वैसी नहीं होती जैसी संसार की सेवा है। संसार की सेवा में 1000 दोगे तो इतना करेंगे, 2000 दोगे तो इतना करेंगे, लेकिन भगवान की सेवा में प्रेम है, देना देना देना। इस देने का भाव कैसा होता है? एक आश्चर्यजनक श्लोक सुनिए। एक भक्त कहता है, महाराज इस शरीर का इतना बड़ा सौभाग्य, जीवन भर आपकी सेवा मिली। भगवान ने कहा, भाई दास को सेवा तो मिलेगी ही, महाराज मरने के बाद ये शरीर का क्या होगा? भगवान ने कहा, भाई तुम क्यों चिंता करते हो, ये मिट्टी में मिलेगा। तुम मेरे लोक आओगे,
दिव्य शरीर प्राप्त करके मेरी नित्य लीला में प्रवेश करोगे? नहीं महाराज, एही तन राम भगति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। इस शरीर से मैंने आपको प्राप्त किया, इसके जो पंच तत्व हैं इनका कुछ होना चाहिए। भगवान ने कहा बताओ क्या होना चाहिए। तो अब भक्त कहता है, पंचत्वं तनुरेतु भूत निवहा स्वांसो विसंतु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वरं तद्वापि शुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांग नव्योम निव्योम तदीय वर्तमनि धरा तंताल वृंते निलह। महाराज, ये शरीर में जो पंच तत्व हैं, आत्मा के निकलने के बाद ये वहां समाहित हो जहां मैं चाहूं। कहीं तो जाएंगे, जब प्राण निकलेंगे और शरीर बिगड़ेगा तो पंच तत्व कहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे मैं डिमांड कर रहा हूं। भगवान ने कहा बोलो कहां मिले। महाराज, जिस पृथ्वी पर आप अपनी सैर करते हैं, वॉकिंग, मेरे शरीर में जितना भी पृथ्वी तत्व है वहां जाके लीन हो जाए, अतः मेरे मरने के बाद वो आपकी सेवा करता रहे। देखिए इसके सेवा का भाव, वो चाह रहा है कि वो मरने के बाद भी अपने शरीर के तत्वों के द्वारा अपने स्वामी की सेवा करे। और जिस तालाब से आप स्नान करते हैं, मेरे शरीर में जितना भी जल तत्व है वो वहां जाके तल्लीन हो जाए तो आपकी सेवा से वंचित न रहे। जिस शीशे से आप श्रृंगार करते हैं, मेरे शरीर में जितना भी तेज का तत्व है महाराज वो वहां पहुंच जाए, वो भी आपकी सेवा करता रहे। गर्मी के दिनों में आपको पंखा किया जाता है, जो वायु आपके निकट होती है मेरे शरीर का समस्त वायु तत्व वहां पहुंच जाए। एवं जिस आंगन में आप क्रीड़ा करते हैं, खेल खेलते हैं, मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है वहां लीन हो जाए। इस दास का भाव देखिए, ये जो दास है इसने इतना उत्कृष्ट सेवा भाव उत्पन्न कर दिया। क्यों? उसने जीवन भर चिंतन किया अपनी स्वामी की सेवा करनी है, जीवन भर अभ्यास किया, प्रत्येक चेष्टा संकल्प क्रिया इच्छा से अपने स्वामी को सुख देना चाहा, तो वो उसका सहज स्वभाव हो गया। इसलिए वो दास कहता है कि मरने के बाद भी मेरे शरीर के तत्व आपकी सेवा करें। ये है दास्य भाव की गरिमा। जहां शांत भाव का उपासक अपने इष्ट देव के ऐश्वर्यवान स्वरूप का चिंतन करते हुए दूरी का अनुभव करता, वहां सेवक को सामीप्य मिलता। और वो दयालु स्वामी तो ऐसे हैं, सेवक सोचता है मैं उनकी सेवा कर कैसे करूं, वो सोचते हैं मैं अपने दास की सेवा कैसे करूं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। यहां तक कि भगवान राम अपने को हनुमान जी के ऋणी मान बैठते हैं।
एकैकस्योपकारस्य प्राणां दास्यामि ते कपे शेषस्य होपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी आपने जो एक सेवा की उससे उऋण होने के लिए मुझे अपने प्राण बदले में अर्पित करने पड़ेंगे और आपके जितने शेष सेवा उपकार हैं उनके प्रति मैं सदा ऋणी रह जाऊंगा। तो देखिए ये कैसा संबंध है, सर्वशक्तिमान ने अल्प शक्तिमान के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि अल्प शक्तिमान को अपना सेवक बना दिया और स्वयं उसकी सेवा करके अपने को उसका ऋणी मान रहे। भगवान कहते तुम मेरे दास बन जाओ। अब जिसने जान लिया ये दास्य भाव वो शांत भाव को भला क्यों अपनाएगा, वो मेरे राजा। इसलिए तो कहा गया सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। जो अष्टांग योगी शांत भाव से भगवान की आराधना करते उनको ये सेवा का रस नहीं मिलता। सेवा का रस परम गहरो और अगम। तो ये दास्य भाव है, किंतु ये दास्य भाव से भी आगे एक संबंध सख्य भाव। दास्य भाव में अभी भी संकोच है, दूरी है, क्योंकि दास तो दास ही रहेगा। मान लो कि श्री कृष्ण के दास ने फल चखा, अरे वाह ये सेब बहुत स्वादिष्ट, श्री कृष्ण को खिलाएं, कैसे खिलाएंगे, मेरा जूठा हो गया, अपने स्वामी को कैसे खिलाएं। लेकिन यदि श्री कृष्ण का मित्र है श्री रामा, मधुमंगल धनसुख मनसुख, खाया, अरे वाह क्या, ए कन्हैया इधर आ, यहां से खा के देख कितना मीठा। अब वो मित्र है और घनिष्ठता हो गई। तो दास्य भाव में संकोच है, इसका पालन करना अति कठिन है। इसलिए तो भरत महाराज ने कहा था, जब भरत महाराज वनवास में गए श्री राम से मिलने जा रहे थे, अयोध्यावासी साथ में गए, तो भरत महाराज पृथ्वी पर पद यात्रा कर रहे थे। लोगों ने कहा आप तो राजा हैं रथ पर बैठिए। भरत ने कहा रथ पर बैठूं, सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरा धर्म ये कहता है कि जहां मेरे स्वामी राम के चरण पड़े वहां मुझे अपना सिर रखना चाहिए। ये सेवक का कठोर धर्म। तो जब भक्ति भाव उमड़ता है, विकसित होता है, उस समय ये मर्यादा नहीं रहती। जैसे शबरी दासी है राम की, लेकिन जब राम आए उसकी कुटिया में ऐसी विभोर हो गई, सब होश उड़ गए, अपना जूठा लेके और अपने राम को खिला रही। बताइए ये क्या मर्यादा, और राम भी उसी को खा रहे हैं। विचित्र बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पहली बात ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि एक क्षत्रिय भीलनी के घर में जूठे बेर खाए। श्री राम ने धर्म का लेक्चर दिया, लक्ष्मण को, भरत को, सीता जी को दे दिया, और यहां पर क्या हो रहा है, धर्म के विपरीत जूठे बेर खा रहे हैं। आप पूछे राम से आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हाँ, और मर्यादा के अनुसार पिता की आज्ञा हुई कि वन में जाओ तो चले गए, पितृ देवो भव। तो यहां पर आप धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे।
राम कहते हैं भाई क्या करें, उसका प्रेम शबरी का ऐसा था, मेरा तो ज्ञान कुंठित हो गया, शबरी का भी ज्ञान कुंठित हो गया। आपके घर में आपका पड़ोसी ही आपका चीफ गेस्ट बने, आप उसको बेर नहीं खिलाएंगे, ये कोई खाने की चीज है ना, प्रोटीन है ना विटामिन है क्या, आप तो बढ़िया चीज खिलाएंगे ना। लेकिन शबरी के होश उड़ गए हैं और राम के भी होश उड़ गए हैं, अतः वो ज्ञान शक्ति से आगे है प्रेमा शक्ति। जब प्रेमा शक्ति का विकास होता है, ज्ञान शक्ति उसमें लीन हो जाती है, फिर भक्त भूल जाता है ये भगवान है, भगवान भी भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, ऐसी लीला होती। जब लंका विजय हुई, रामायण कहती है प्रभु तरु तर कपिडार पर, राघवेंद्र सरकार नीचे बैठे हैं और वानर लोग उनके सिर पर बैठे हुए। अब ये क्या मर्यादा है, ये उल्टा कैसे हो गया? अरे मान लो सेवकों को ख्याल नहीं आया तो राम को डांट देना चाहिए, चलो नीचे बैठो। लेकिन बात ऐसी है कि राम भूल गए मैं तो स्वामी हूं, और सेवक भूल गए हम तो सेवक हैं, ऐसा एकत्व हो गया। जैसे राम कृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में काली माँ की उपासना करते थे तो वो माला लेके जाए माँ माँ माँ, और फिर माँ 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 कह के माला को अपने ऊपर डाल दें। देखने वाला कहे भाई ये मंदिर का पंडित बड़ा विचित्र, इसने काली माँ की माला अपने ऊपर डाल दी, ऐसा कैसे हो गया? किंतु राम कृष्ण परमहंस वो ऐसे प्रेम में तल्लीन हो जाते थे, उनको सर्वत्र माँ का अनुभव हो रहा, तो अपनेपन की सत्ता के स्थान पर भी माँ का अनुभव हो रहा। ऐसी एक प्रेम की समाधि है, उसको हम वर्तमान में समझ नहीं सकते, केवल सुन लें। तो ये जो दास्य भाव की मर्यादाओं के कारण प्रेम संकुचित रहता है, इसलिए अब हमें इससे आगे चलना होगा। तो आगे क्या है? सख्य भाव। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनका दोस्त हूं। अब क्या बात है साहब, भगवान मेरे दोस्त हो गए। देखो संसार में लोग कहते हैं स्वामी जी वो जो कमिश्नर है ना मेरा दोस्त है, कुछ भी कराना है मैं करा दूंगा। ये लोग इतना विभोर होते हैं कमिश्नर मेरा दोस्त, और आप सबके दोस्त भगवान बनने को तैयार हैं, लेकिन डाउट है ना दोस्त बन सकते हैं कि नहीं। तो ये सख्य भाव क्या है थोड़ा आइडिया लगाइए। एक नौकर अपने साहब का कमरा साफ कर रहा था, साहब ड्राइंग रूम में बैठे थे, नौकर डाइनिंग रूम की टेबल को साफ कर रहा था, तो साहब का सखा ऑफिस का यार वो पहुंचा। अब वो मित्र है, वो ड्राइंग रूम में बगल में बैठ गया, और दोनों मित्रों के बीच में गपशप होने लगी। अरे सुनाओ यार क्या हालचाल है, उसका ट्रांसफर हो गया, उसका पोस्टिंग हो गया, हा हो ही। तो नौकर रामू ने कहा भाई ये खूब है, मैं ऐसे ही इतना संकोच करता हूं। जी साहब इसको देखो, ये तो उनके साथ गपशप कर रहा है और साहब को पसंद भी आ रहा है, तो ठीक है यदि साहब को ऐसा ही पसंद है तो मैं भी कर लूं। अब जब दोस्त आधा घंटा बातचीत करके उसने कहा यार सी यू इन ऑफिस टुमारो और चला गया, तो नौकर ने कहा मैं तो आज ही मिल लेता हूं इनको। उसने अपना कपड़ा रखा और साहब के बगल में जाके बैठ गया, साहब के गले में हाथ डाला, सुनाओ यार क्या हालचाल है।
साहब ने कहा ये तो पागल हो गया। साहब ने उसका हाथ हटाया, उसको सीधा खड़ा किया और कहा रामू ये क्या हो रहा, मैं तुमको नौकरी से डिसमिस कर रहा हूं। अरे साहब डिसमिस कर रहे हैं, अभी तो आपके दोस्त ने किया था, आप इतने खुश हो गए थे, आप डिसमिस करेंगे तो मुझे क्या होगा, मेरी पत्नी कैसे खाएगी, बच्चों की देखभाल कैसे करूंगा, साहब आप तो कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। तो साहब ने कहा देखो वो दोस्त है, तुम नौकर हो, दोस्त दोस्त ही रहेगा, नौकर नौकर ही रहेगा, नौकर को दोस्त की सीट नहीं मिलेगी।